तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट्स वालों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। तो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों कि जैसे आप सभी को पता ही होगा, जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे अपना थंबनेल नहीं लगा सकते, यानी आप शॉर्ट्स वीडियो पे कोई भी थंबनेल नहीं लगा सकते। बट दोस्तों अभी आज के टाइम पे यहाँ पे यूट्यूब ने एक अपडेट दे दिया है और आज के समय से, मतलब आज से ही, अगर आप कोई भी वीडियो शॉर्ट्स का अपलोड करते हो आप उस पर आसानी से थंबनेल लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कि कैसे आप अपने वीडियोस पे, यानी शॉर्ट्स वीडियो पे कैसे यहाँ पे थंबनेल लगा सकते हो। तो जैसे कि सिंपल सा, आप वीडियोस अपलोड करते हो दोस्तों प्लस वाले सेक्शन पे जाके, तो चाहे दोस्तों आप क्रिएट अ शॉर्ट वाले ऑप्शन से अपना शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपने पहले से यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट कर लिया है तब दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड वीडियो वाले सेक्शन से जाके अपलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपलोड वीडियो वाले सेक्शन पे चल के आपको अपलोड करके बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले लिया जो मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, और ये दोस्तों एकदम शॉर्ट्स के फॉर्मेट में ही है, यानी जो शॉर्ट्स का साइज रहता है उसके साइज में ही है। तो सिंपल से जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट्स अपना सिलेक्ट कर लेते हो, सिंपल से आपको नीचे दिए गए नेक्स्ट वाले बटन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने का दोस्तों आपका शॉर्ट्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर आप चाहे कुछ भी एडिट करना चाहते हो, नीचे आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हो जैसे आप पहले करते थे। फिर दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो पेज आता है यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने का, वो वाला पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि आप दोस्तों टाइटल लिखते थे वैसा आप लिख सकते हो। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आपको थंबनेल लगाने के लिए, अपने शॉर्ट्स की वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाने के लिए आपको ये पेंसिल वाले आइकन पे यहाँ पे टाइप कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थंबनेल कैसे लगाना है, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा हम लॉन्ग वीडियोस पे थंबनेल अपनी गैलरी से यहाँ पे लगाते हैं, और दोस्तों उसके साथ साथ आपको तीन थंबनेल ऐसे भी मिलते हैं जो आपकी वीडियो के अंदर से होते हैं, यानी जो आप वीडियो रिकॉर्ड किए उसमें से यहाँ पे तीन थंबनेल होते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ शॉर्ट्स के लिए भी, यानी आप गैलरी से यहाँ पे थंबनेल एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो, आपने जो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड की, जो वीडियो आपने बनाई उसके अंदर से ही आप कोई भी पार्ट बीच का एज अ थंबनेल के लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप कौन सा पार्ट यहाँ पे थंबनेल के लिए यहाँ पे सेट करते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ये वाला पार्ट समझ लो यहाँ पे थंबनेल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल से अगर आप ये पार्ट सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद नीचे आपको डन का ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एज अ जो थंबनेल रहता है वो यहाँ पे ये फोटो ये सेट हो गया। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा दूसरा थंबनेल कैसे लगाऊं, तो सिंपल से वापस आपको पेंसिल वाला आइकन पे हमें क्लिक कर देना है। फिर से नीचे से आपको जो थंबनेल लगाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं लगाना तो आपको सिंपल से क्रॉस पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे मेन बात मैं आपको बता दूँ, ये थंबनेल दोस्तों आप तभी लगा पाओगे जब आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करने जा रहे हो, यानी शॉर्ट्स वीडियो जैसे ही आप अपलोड करने जा रहे हो तभी दोस्तों आप ये थंबनेल लगा सकते हो। वीडियो अपलोड करने के बाद आप वापस से थंबनेल यहाँ पे सेट नहीं कर पाओगे, ये बात हमेशा ख्याल रखना दोस्तों। जब आप वीडियो अपलोड करते हो तभी दोस्तों आपको फीचर देखने को मिलेगा थंबनेल का, जो आप चाहे वो सेट कर सकते हो वीडियो के अंदर से। वीडियो अपलोड करने के बाद आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कैसे आप अपने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आप थंबनेल लगा सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एवी टेक्निकल टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ऐसे ही मोर कंटेंट देखने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ।